हेलो गाइस, आई एम अमृत त्रिपाठी एंड आज के इस वीडियो का टॉपिक है कैसे आप लोग अपने जीमेल को वेरीफाई कर सकते हैं अपने फ़ोन नंबर से एंड कैसे आप लोग अपने जीमेल में एक सेकंड जीमेल को भी ऐड कर सकते हैं जिससे आप अपने जीमेल का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप वेरीफिकेशन कोड की मदद से आप लोग अपने जीमेल को दोबारा से ओपन कर पाएँ। तो जीमेल को वेरीफाई करने के लिए आपको कुछ स्टेप बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपका जीमेल जो है वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए आपके मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ एंड बताता हूँ कैसे जीमेल को वेरीफाई करते हैं। जीमेल अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए मोबाइल फ़ोन के जीमेल ऐप को ओपन करना है। जैसे जीमेल ऐप को ओपन करेंगे यहाँ ऊपर की तरफ जीमेल का लोगो देखने को मिलता है, जीमेल वाले लोगो पर क्लिक करना है एंड जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर मोबाइल फ़ोन में जितने भी जीमेल्स हैं यहाँ सभी देखने को मिल जाएंगे। तो आप जिस भी जीमेल को वेरीफाई करना चाहते हैं उसको आप लॉगिन कर लीजिएगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं जीमेल के नीचे देखने को मिलता है गूगल अकाउंट, तो उस पर क्लिक कर देना है। गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा एंड ये क्रोम ब्राउज़र में जाकर ओपन होता है। तो यहाँ देख सकते हैं रिलोडिंग ले रहा है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं एंड यहाँ देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा हो पर्सनल इंफॉर्मेशन डाटा एंड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, तो फोर्थ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है जहाँ पर सिक्योरिटी लिखा हुआ है। तो सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर देख सकते हैं देखने को मिलेगा रिकवरी फ़ोन रिकवरी ईमेल। अगर आप दोनों को ऐड करना मैं बताऊँगा तो सिंपली मैं फर्स्ट वाले पर क्लिक करता हूँ रिकवरी फ़ोन के लिए, अपना जो फ़ोन नंबर है उसको ऐड करने के लिए ऐड अ मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर। तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा यहाँ थोड़ा वेट करना होगा, ये रिलोडिंग ले रहा है। यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको अपना जीमेल का पासवर्ड यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं इंटर योर पासवर्ड मांग रहा है, तो सिंपली जीमेल का पासवर्ड जो भी होगा आप दे सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है, यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद पासवर्ड को दोबारा से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है पासवर्ड फिलअप करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा रिलोडिंग में, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, आपको अपना जो फ़ोन नंबर है उसको ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं थोड़ा वेट करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं रिकवरी फ़ोन का ऑप्शन आ चुका है ऐड रिकवरी फ़ोन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ मोबाइल नंबर को आपको फ़िलअप कर देना है, इंटर मोबाइल नंबर लिखा होगा तो जो भी आपका मोबाइल फ़ोन नंबर है उसको यहाँ पर फ़िलअप करना है एंड नेक्स्ट का ऑप्शन देख सकते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर गेट कोड का ऑप्शन है, सिंपली गेट कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गेट कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके मोबाइल फ़ोन पर एक कोड गया होगा इंटर द कोड, तो सिंपली उस कोड को यहाँ पर फ़िलअप कर देना है। यहाँ देख सकते हैं मैंने कॉपी कर लिया कोड को और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद वेरीफाई का ऑप्शन है, वेरीफाई यहाँ से कर देता हूँ एंड जैसे ही मैं अपने फ़ोन को वेरीफाई करूँगा मेरा फ़ोन नंबर जो है जीमेल से वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ऐड हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं एडिट एंड डिलीट का ऑप्शन है, आप यहाँ से एडिट एंड डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ मैं दिखा देना चाहता हूँ कि मेरा जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है रिकवरी ईमेल, तो चलिए मैं बताता हूँ रिकवरी ईमेल कैसे आप लोग कर सकते हैं, एक सेकंड जीमेल को भी अपने जीमेल में ऐड कर सकते हैं। इस पर करने के बाद यहाँ थोड़ा लोडिंग टाइम लेगा एंड यहाँ भी आपको पासवर्ड जो है फिलअप करना होगा, तो यहाँ थोड़ा वेट कर लेते हैं एंड यहाँ पर इंटर योर पासवर्ड, तो सिंपली पासवर्ड यहाँ पर फिलअप कर देना है। जैसे यहाँ पासवर्ड फिलअप करेंगे एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ देख सकते हैं, तो नेक्स्ट आपको कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आप अपने जीमेल को ऐड कर सकते हैं। तो आप कोई भी सेकंड जीमेल आपके मोबाइल फ़ोन में होगा तो आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। फिलअप करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन है, जैसे नेक्स्ट करेंगे और कोड जाएगा, कोड आप वेरीफाई कर देंगे आपका जीमेल भी वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जो प्रोसेस मोबाइल फ़ोन को ऐड करने के लिए था सिंपली वही प्रोसेस ये भी है, तो आप ऐड कर लीजिएगा। मुझे यहाँ पर ऐड नहीं करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफिकेशन कोड मांग रहा है। जैसे आप कोड देंगे एंड वेरीफाई करेंगे आपका भी जो सेकंड जीमेल फर्स्ट जीमेल में ऐड हो जाएगा और यहां पर आपका रिकवरी ईमेल जो है ऐड हो जाएगा। मुझे नहीं करना है तो फाइनली आप उसी प्रोसेस से कर पाएंगे। इंफॉर्मेशन एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।